एंट्री होने जा रही है साबुदाने के आटे में। वैसे एंट्री तो भैया कमाल की थी, वेदिका की। जी हाँ, अग्रवाल परिवार में वैसे इनकी आदत सी हो गई है, एकदम घर के अंदर एंट्री मारती हैं। याद है ना, पहले भी लीव से पहले भी इन्होंने ऐसी एंट्री मारी थी। पूरे 5 साल बाद वो लौट आई है अग्रवाल परिवार में अपना हक जताने। और हक जताए भी क्यों ना, जाने अनजाने में ही सही कभी साहिल के साथ उसकी शादी हुई थी। अनजाने में ही सही साहिल का बच्चा उसकी कोख में पला। और तो और वेदिका की बेटी आर्या को साहिल ने अब अपनी बेटी बना ली है। तो ऐसे में वेदिका का हक तो पूरा बनता है अग्रवाल परिवार में। हाँ, तो बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मतलब एक दूसरे से डे टू डे बेसिस पे झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, मसाला बहुत होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले जो एपिसोड्स हैं। जैसे ही वेदिका ने अग्रवाल परिवार के चौखट पर कदम रखा, हर कोई चौंक गया। घर वालों के चेहरे पे तो 12 बज गए कि अब वेदिका आ गई है तो सबकी बैंड बजेगी। जी हाँ, हो तो गया गड़बड़। मतलब मेरे जितने भी प्लान्स थे बड़ी अम्मा के, वो सब फेल हो गए हैं। और इस बार तो वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग होके आई है और अपना हक मांग रही है और पूरी मतलब आमना सामना कर रही है। तो ये वेदिका का एक अलग रूप मेरे लिए मेरे सामने आया है, जिससे बड़ी अम्मा अंदर अंदर बहुत घबरा गई है। अब साहिल को देख कर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुश है या दुखी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो उसे भी है कि वो वेदिका से प्यार करता है या उससे नफरत करता है। क्या आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम सब आपसे इतना नफरत करते हैं? मैं हैरान हूँ, क्योंकि आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपको समझा कुछ और, लेकिन साहिल के बाद बड़ी माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो भी नहीं समझ पा रही है कि अगली चाल कौन सी चले। अब भी एक काम कीजिए, कोई भी किसी भी तरह का चाल न चले। किसी की चाल सीधी पड़ती है तो वो है वेदिका, और सीधा काम करने के लिए वो हाजिर हो गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साबुदाने की टिक्की बनाने के लिए हम ना साबुदाने के आटे का यूज कर रहे हैं। वैसे आप चाहें तो साबुदाना भी यूज कर सकते हैं, रात को सोख कर दीजिए, सुबह ड्रेन करके उसका इस्तेमाल कीजिए। अब टिक्की की याद वैसे क्यों आई, क्योंकि हम शादी की बात करने जा रहे हैं और शादी में बेस्ट होता है टिक्की यानी चाट का काउंटर। अब शादी किसकी हुई भाई? मीरा और विमान की, कलीरे में फाइनली जाकर। जिसकी जोड़ी रब बनाकर भेजता है, भला उसे कौन जुदा कर सकता है। एक ऐसी ही जोड़ी है मीरा और विवान की, जिसे रब ने बनाई है। और रब के सामने बताइए भला किसकी मर्जी चलती है। तो आज रब के आशीर्वाद से ही मीरा और विवान एक बार फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। We'll be right back.
कहने को तो ये दोनों पति पत्नी है ही, लेकिन जिस सिचुएशन में उनकी शादी हुई थी वो कोई शादी तो मायने रखती नहीं थी। सही मायनों में तो देखा जाए आज ही मीरा और विवान की शादी हुई है। खुशी को देखकर आज पूरा परिवार भी खुश है। कितने दिनों बाद खुशियां आई हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बाकी शादियों की तरह इस शादी में ट्विस्ट नहीं है। ये शादी तो होगी लेकिन थोड़े बहुत हंगामे के साथ। साथ इसकी शादी होगी। ओनली सनी 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 माँ बेटी चाहे कुछ भी कर ले, बस मैंने डिसाइड कर लिया सनी 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 आप देखिए भाई शादी कमाल का ड्रामा रहेगा प्लीज। अब चलिए जरा बात करते हैं दूल्हा और दुल्हन से और पूछते हैं कि इस वाली शादी के बारे में इनकी क्या राय है। पता ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजन हो रखी है। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शादी हो के भी वो शादी नहीं हुई इस टाइम वाला। सो लुक मेरा वैसे बिना चश्मे के है ऑफ कोर्स, बट वो मैं थोड़ा सा स्वैग मोड ऑन करके आई थी सेट पे, एंड वही टिपिकल पंजाबी क्लासिक लुक है विद रेड लहंगा एंड कुंदन का नेक पीस एंड चूड़ा है, हाथ बंद है, काफी सुंदर ज्वेलरी है। अब भाई इनकी ये शादीशुदा जिंदगी आसानी से कटेगी या फिर बहुत सारे रोड़े अभी आने बाकी हैं? इस सवाल का जवाब तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नोकझोंक होती है ना वो बड़ी मजेदार होती है। वैसे नोकझोंक नहीं, यहाँ पर तो टग ऑफ वॉर चल रही है कृष्णा और राधे जी के बीच में। तो आइए देखिए इनका ये प्यारा सा एपिसोड। अब इसे कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लोहार की। कई दिनों से राधे के प्यार को नजरअंदाज करती कृष्णा को राधे ने सबक सिखाने की ठान ली है और धपाक से बेड पर अपना कब्जा जमा लिया है। आपको तो पता ही होगा कि आज तक कृष्णा बेड पर सोती थी और राधे बेचारे सोफा पर अपनी नींद पूरी करते थे, लेकिन आज राधे बेड पर चुंबक की तरह चिपक गए हैं और वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी कृष्णा, लाख कोशिशें की लेकिन राधे वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कृष्णा ने भी अपना अदृश्य चक्र निकाला और एक एक करके राधे से तकिया और रजाई छीन ली। अरे भाई, सोफा पर कृष्णा सोए और उसे तकिया और चादर तक नसीब ना हो, ऐसा हमारी होशियार कृष्णा कैसे होने दे सकती थी। Thank you.
बेचारा राधे तकिया और मन दोनों मसोस कर बेड पर लेट गया। लेकिन कृष्णा जी, राधे को गुस्सा भी तो आप ही ने दिलाया है। अरे आपको 10,000 रुपयों की जरूरत थी तो प्यार से मांग लेती, आप तो घोड़े पर सवार होकर आई और राधे से ऐसे पैसे ले लिए जैसे गब्बर गांव वालों से खाना वसूलता था। हम क्यों दे पैसे? क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं और ये पैसे आपने हमारे काम के लिए कमाए, अभी हमें जरूरत है तो हम निकाल देंगे। अरे तो कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है, बताया था ना कि कानून जो चीज आपकी उस पे आधा हक हमारा भी है, अगर इतनी तकलीफ होनी थी तो शादी से पहले सोचा चाहिए। अब बेचारे राधे ने इतनी मुश्किल से पैसे कमाए हैं तो देने से पहले पूछेगा? खैर अब आप भी कुछ दिन सोफा का आनंद उठाइए, क्या पता इससे आपको राधे की मुश्किलें समझने में आसानी हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे तो श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं और अगर आप भी 56 भोग बनाने जा रहे हैं तो पूरा दिन लगेगा, लेकिन आज का दिन चलिए बिताते हैं कृष्णा की जेठानी के साथ, भाई लाली के साथ। जानते हैं दिव्या को कुछ और बेहतर। मैं हूँ दिव्या मलिक, आप सबकी ललिया भाभी। अब आप कृष्णा चली लंडन में तो मुझे देखते ही होंगे, लेकिन आज मैं अपना दिन सास बहू और साजिश के साथ बिताने वाली हूँ। तो मैं रियल लाइफ में क्या करती हूँ, मैं आज आप सब लोगों को वो दिखाऊंगी। और मेरे घर के पास ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पे आकर मैं थोड़ा सा रनिंग करती हूँ सुबह सुबह, तो चलिए। रनिंग तो हो गई है, जनरली मैं 20 से 30 मिनट हमेशा रोज दौड़ती हूँ। आप भी दौड़ा करिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। चलिए अब हम घर चलते हैं, आपको घर भी दिखाना है और फिर शूट का टाइम भी तो हो रहा है। चलिए क्योंकि मुझे बैग्स और कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे अपनी कलेक्शन शेयर करूं। तो आइए देखते हैं।
ये मेरा फेवरेट बैग है जो कि माइकल कॉर्स का है और मैं इसे ऑलमोस्ट रोज़ यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा डेली बैग है और ये डफल बैग है, छोटा सा, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है तो ये बहुत कंफर्टेबल बैग है। और आगे मैं दिखाती हूँ, ये बैग ही गेस का बैग है, ये शीन का छोटा सा क्लच है, और माइकल कॉर्स का बैग है, ये भी अनटच्ड है, मैं आपको बता दूँ ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो ये फ्रेश है एकदम नया वाला। तो ये कुछ बैग्स के कलेक्शंस थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ड्रेसेस के कलेक्शंस। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो ये है पंजाबी सूट और इसके साथ पटियाला सलवार भी। ये सिल्क का दुपट्टा, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ब्लैक बहुत 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 फेवरेट कलर है, तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन ब्लैक की है, जैसे कि इसमें भी ब्लैक है, ब्लैक कोट, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक गाउन। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक प्यारा सा गाउन है मेरे पास, तो मैं आपको जो मेरे सबसे क्लोज है उनसे मिलवाना चाहती हूँ, जो कि मेरी मॉम है, मेरी माँ। हेलो, मेरे बारे में कैसी लगती हूँ मैं? ये नॉटी है, बहुत नॉटी हूँ मैं, लगता है आपको सीरियल में देखकर कि मैं नॉटी हूँ? बहुत बहुत नॉटी है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ। पूजा हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आइए। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मैं यहीं पे सोती हूँ और ये छोटा सा हमने गद्दा बिछा कर रखा है यहाँ पर, ये मेरी अलमीरा। और आइए मैं आपको एक और खास इंसान से मिलवाती हूँ, मेरा भाई। ये है मेरा भाई सार्थक, और अभी जैसे कि रक्षाबंधन निकला है तो भाई का होना थोड़ा ज़रूरी भी रहता है ना घर पे, तो आज ये घर पे ही हैं, तो शेयर भी होते हैं, मारा मारी तो अब नहीं होती है बट हाँ झगड़े होते हैं, सीक्रेट भी शेयर होते हैं, जैसे एक भाई बहन का रिश्ता होता है उसमें जैसा झगड़े भी रहते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। तो मेरे घर वालों से आपने मिल लिया, अब चलते हैं हम सेट की तरफ, कृष्णा चली लंदन के सेट पे। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से हूँ और करियर की शुरुआत दरअसल ऐसे हुई, मतलब बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फेयर था। अगर मैं अपने आप को जब मैं छोटी थी तब के उस टाइम पे सोचूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे एक्टर बन गई। जब मैं यहाँ पे आई
इनिशियली मेरे एक रिलेटिव है यहाँ पे जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आए थे एक मैरिज पे, और ऐसे ही ऑडिशंस चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं मस्ती मस्ती में ऑडिशन देने चली गई, और वापस हम लोग ऑडिशंस दे कर दिन वापस चले गए शादी ख़त्म करके। देन जब मैं वापस आई उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने अपने पापा का नंबर देकर आई थी वहाँ पर ऑडिशन के टाइम पे, तो मेरे पापा के नंबर पे कॉल आया कि ऐसे से आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आप लुक टेस्ट के लिए आ जाइए। पहला ब्रेक मेरा मैं बिग मैजिक का एक मैंने शो किया था जयमा विंध्यवासिनी एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट, और उसी का सीजन 2 भी आया था लव दोस्ती दुआ, तो मेरा इनिशियल पहला ब्रेक यही था। आप देख सकते हैं मैं दिव्या से लाली बन चुकी हूँ, तो ये मेरी पूरी जर्नी है दिव्या से लाली बनने की। और एक और चीज़, लाली बनने में एक बहुत ही अच्छे इंसान का हाथ है, उनके बिना हम शायद ऐसे बन ना पाए, इतने खूबसूरत दिख ना पाए, तो मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। आइए दादा, ये है हमारे मेकअप दादा नितिन दादा, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ना, जो हम पर्दे पे इतने सुंदर दिखते हैं, वो सब इनका ही है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल टचअप, मैंने मेरे गज्जू को पहन लिया एकदम हिफाजत से, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि उम्मीद है आपको दिव्या से लाली की जर्नी पसंद आई हो। ये अब मैं सेट पे पहुँच चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी सीन करने के लिए। हमारा शो देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, शो को प्यार देते रहिए। थैंक यू। सीधा साईं बाबा के द्वार। वैसे बता दें कि साईं बाबा ना दंगल करने जा रहे हैं, अब यकीन मानिए इसमें भी उनका चमत्कार जरूर होगा। आज साई बन गए हैं दबंग, साई आज किसी को सबक सिखाने के लिए दिखाएंगे अपने दंगल का दम। इतिहास में पहली बार सुल्तान बनकर किसी को चारों खाने चित करेंगे। अगर सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है तो साईं का कहना है कि किसी के घमंड को सादगी ही हरा सकती है। एक्चुअली अब्दुल जो कैरेक्टर आया है वो मेन चीज क्या है, वो ईगो का एक मतलब कैरेक्टराइजेशन है, और जब हम दिखाते हैं कि बाबा उससे लड़ते हैं तो बाबा बेसिकली उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसका ईगो टूट जाए। साईं के दरबार में सभी अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन साईं को मिला एक ऐसा भक्त जिसे अपने बाजुओं और कुश्ती की तकनीक पर घमंड था। अगर कोई सामने वाला पहलवान आपका हाथ ऐसे पकड़ ले तो आपको इसे छुड़वाने के लिए ऐसे करके, ऐसे ढूंढके, ऐसे पकड़के और ऐसे छुड़ाना पड़ेगा। पहले तो इस शख्स ने साईं को अपनी कुश्ती के दाव पेच सिखाए ताकि साईं को ये लगे कि उनके सामने खड़े इस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। और तो और एक ही बार में जब साईं सारे दाव पेच सीख गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुश्ती लड़ने आ गई है, फिर क्या था, इन जनाब ने साईं को चुनौती दे दी। एक बार में किसी के समझ में नहीं आता, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, अगर कुछ शक शुबा हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा तो मैं भी तो देखूं कि आप कितना समझे हो। सोचा कि साईं को हराना इनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। एक्चुअली अब्दुल जो कैरेक्टर आया है वो मेन चीज़ क्या है, वो ईगो का एक मतलब कैरेक्टराइजेशन है,
और जब हम दिखाते हैं कि बाबा उससे लड़ते हैं तो बाबा बेसिकली उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसका ईगो टूट जाए। साई ने इस महान आदमी का सारा घमंड तोड़ते हुए इसे धूल चटा दी। ये देखकर इन जनाब के चेहरे पर हैरानी छा गई कि एक ही बार में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये समझ गया कि साई की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में इसने साई बाबा से माफी मांगी और हमेशा के लिए उनकी शरण ले ली। साई की इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि घमंड का अंत हमेशा बुरा और सादगी का अंत हमेशा भला होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए फटाफट से थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। जितना उबलता हुआ तेल होगा उतना ही कम सोक करेगी आपकी टिक्की तेल, तो तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए। चलिए जब तक हम अपनी टिक्की की बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं उनके पास जो लाखों दिलों की धड़कन है, यानी कि वरुण सोबती। वेल गेस व्हाट, उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि वरुण सोबती फिर से आ रही है, लेकिन इस बार टेलीविजन पर नहीं, एंट्री कर रहे हैं इंटरनेट पर। देखो देखो वो मुंडा आ गया, और इस बार जरा देखिए इस मुंडे का तो स्टाइल एकदम बदला बदला नजर आ रहा है। बालों को बढ़ा लिया है वरुण सोबती ने, अपनी उसी स्माइल के साथ वो एक बार फिर से लौट आया है निखिल बनकर। वूट पर आपको जल्द ही नजर आएगा असुर शो, जिसमें नजर आएंगे वरुण सोबती। आपको बता दें कि ये एक थ्रिलर शो है जिसको लेकर वरुण बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। यार लुक एक्चुअली डिसाइड होना, सो आई एम एक्चुअली जस्ट अभी बाल बढ़ा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं सीरियल किलर्स वगैरह पे पढ़ता बहुत हूँ और काफ़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने, तो मुझे सीरियल किलर्स की मतलब साइकोलॉजी समझने में अच्छा लगता है काफ़ी। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया था ये सुनाने के लिए, तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि पता नहीं क्या, मतलब मैं तो इतना पढ़ चुका हूँ वैसे भी, पर जब मैंने पूरा सुना था आई वॉज ब्लोन, रियली गुड। भाई वरुण, आप जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, इसीलिए तो आपके फैंस आपको इतना पसंद करते हैं। वैसे ये तो बताइए कि इन दिनों आप कर क्या रहे हैं, बताइए आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी तैयारी की हुई है इसकी हमेशा से, यार ऑल माय फ्रेंड्स इन फैक्ट कीप टेलिंग मी कि आई हैव इनवाइटेड दिस टुवर्ड्स माय सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा, पर तैयारी तो यार एपिसोड्स पढ़ के ही होती है। एंड वी आर अबाउट टू बिगिन शूट नाउ, सो आई थिंक होपफुली वी आर रेडी। यार मेरा हमेशा मतलब हमेशा से यही बोलता हूँ कि कंटेंट जहाँ पे मुझे अच्छा मिलेगा मैं करता रहूँगा। ओके, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे लास्ट? जी जस्ट थैंक्स फॉर हैंगिंग बाय फॉर सच अ लॉन्ग टाइम यार, और आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि अब जो काम मतलब मैं अब क्या मतलब कोशिश तो यही करता हूँ कि अच्छा काम करूँ तो सबको अच्छा लगे। ये बात तो आपने एकदम सही कही वरुण, किसी भी शो का अगर कॉन्टेंट अच्छा है तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और असली स्टार की पहचान भी यही होती है। वैसे आपको बता दें वोट पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 शोज आ रहे हैं, इसमें और भी कई सितारे जुड़े हुए हैं जिसके बारे में बताएंगी खुद शो की कंटेंट हेड। एक्चुअली पिक्चर्स हमारे पास बहुत थे, और आपने जो आज 18 शोज देखे हैं जो हमने अनाउंस किए हैं, उसमें से अगर मैं कहूँ तो कम से कम 40% स्लेट आइडियाज़ हैं जो हमने रिसर्च के ऊपर बेस करके, फोकस ग्रुप्स करके और टीम ने बैठकर आइडियाज बनाए हैं, और हमने टैलेंट को इकट्ठा किया है। अब भी वेब सीरीज की दुनिया में ये नया तहलका है, तो देखते हैं वोट के इस नए शो को लोग कितना एंजॉय करते हैं। है मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।